बर्दाश्त, मुआफ़ी, दरगुजर और एराज़ एक ही वस्फ़ के मुख्तलिफ नाम हैं। ये एक इख्तियारी सिफत है, मगर जो इसकी मश्क करते हुए इसे अपनी ज़ात का जुज़े लायनफक बना ले, उसके लिए यकीनन गैर इख्तियारी होने का रूप धार लेती है। ये एक ऐसी खूबी है जिसके बाहिम्मत होने की कुरान ने गवाही दी, और वो जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया तो बेशक ये ज़रूर हिम्मत वाले कामों में से हैं। सूरतुश्शूरा आयत नंबर 43। जिसकी ज़ात में ये अंसर पाया जाए वो आम तौर पर ठंडे मिजाज की शख्सियत कहलाता है। लोग उससे अपनी हर बात, हर राज कह लेते हैं। गलतियाँ हो जाएं तो बिला झिझक मुआफ़ी भी मांग लेते हैं, और ख़ुद उससे भी ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। वो अक्सर लोगों की दिल आज़ारी से भी बचता रहता है, नाज़ेबा अक़वाल अफ़ाल पर फ़ौरन रद्द अमल से इज्तिनाब करता है, बदले में दुश्मनी, नफ़रत, अदावत और गलीज़ अलकाबात से नवाजना उसकी खसलत नहीं होती। उसकी नाराज़गी भी दायमी नहीं रहती, उसे मनाना भी मुश्किल नहीं। वो अपनों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों, देने वालों और मना करने वालों सब के साथ बराबरी वाला रवैया इख्तियार करता है। छोड़ो, बच्चा है, गलती से हो गया होगा, तवज्जो ना रही होगी, कहीं मसरूफ़ हो गया होगा, इज्जत भी तो करता है ना, प्यार भी तो देता है, अकीदतमंद है, भाई है, अभी इतना समझदार नहीं, समझ जाएगा, मान जाएगा, जैसे जुमले आमतौर पर उसकी ज़बान से सुनने को मिलते हैं। ऐसे शख्स को ताल्लुक, रिश्ता, निस्बत और दोस्ती अजीज़ होती है। वो किसी भी तरह तोड़ने से बचता है। मुआफ़िया मांगना, हालचाल पूछना, वक़ात से बढ़कर वक्त, प्यार और तवज्जो देना भी उसकी आदात में शामिल होता है। ऐसे लोग कमज़ोर, जाहिल, भोले, नावाकिफ या बेवकूफ़ नहीं होते, बस बाहिम्मत, बुलंद हौसला, आला ज़र्फ़ और अल्लाह के बंदों से जोड़ कर रखने वाले होते हैं। थोड़ा ज़्यादा, कभी कभार या अक्सर, जब जितना मिलते हैं पूरी तवज्जो, इखलास और मुकम्मल खुदगर्जी से पाक होकर मिलते हैं। ये अपनी अना के ग़ुलाम, मैं के शेदाई और मनवा कर दिखाने के दावेदार नहीं होते। ये हक़ के मुतलाशी और दाई ज़रूर हैं, मगर हक़ महज अपनी ज़ात से ज़ाहिर होने का दावा नहीं करते। बस बर्दाश्त करना, मुआफ़ कर देना, दरगुजर करते हुए एराज़ करना, इनकी आदत में रश बस जाता है। ये अल्लाह के बंदों से तोड़ना नहीं चाहते। ये सब मिलकर, सबको मिलाकर, सबसे बनाकर दुनिया छोड़ना चाहते हैं। रिवायत में है, अल्लाह अज़्ज़ल बंदे के अफ़ो दरगुजर से काम लेने की वजह से उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588। इन्हें गुस्सा भी आता है, ये जवाब भी दे सकते हैं, बदला लेने की कुदरत रखते हैं, इन्हें गंदी ज़बान भी आती है, बद अखलाकी भी जानते हैं, मगर सिर्फ लमिन अज़्मिल उमूर यानी ज़रूर हिम्मत वाले होने की वजह से खामोश हो जाते हैं। अवामी जलसों और भरी महफिलों में या सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से नहीं खेलते। लहवुन खैरुन लिसाबरीन यानी सब्र, सब्र करने वालों के लिए बेहतर है कि मुकम्मल पासदारी करते हैं। मुआशरा इन्हीं के दम कदम से बढ़ रहा है, यही दुनिया को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। अमन सलामती की जितनी बहारें हैं सब में इनका बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। यही अमन के अलमबरदार और मुआशरे की बका के जामिन हैं। रिवायत है कि बहादुर वो नहीं जो लोगों पर गालिब आ जाए, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले। सही बुखारी हदीस नंबर 6114। एक और हदीस में है कि अनकरीब मैं तुम्हें लोगों के मामलात और उनकी आदतों के बारे में बताऊंगा। एक शख्स को गुस्सा जल्दी आता है और जल्द ही रफा हो जाता है। ये शख्स ना तो किसी को नुकसान पहुंचाता है, ना ही किसी से नुकसान उठाता है। और एक शख्स को देर से गुस्सा आता है मगर जल्दी रफा हो जाता है, तो ये उसके लिए बेहतर है, नुकसानदेह नहीं। एक शख्स अपने हक का तकाजा करता है तो गैर का हक अदा भी कर देता है, इसका ये अमल ना उसे नुकसान देता है और ना किसी दूसरे को। और एक शख्स अपना हक तो तलब करता है लेकिन गैर का हक अदा नहीं करता, तो ये उसके लिए मुज़िर है, मुफीद नहीं। कंजुल उम्माल हदीस नंबर 9967। मगर ये भी हकीकत है कि इसी मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो गुस्से के चैम्पियन कहलाते हैं।
बात बात पर झड़कना, झाड़ना, डांटना और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल उनके लिए मामूली सी बात है। बदगुमानी, इल्ज़ाम तराशियाँ और मनफी सोच और रवैया इनके बाएँ हाथ का खेल है। मामूली बातों पर किसी भी जगह, मकाम और मर्तबा की परवाह किए बग़ैर इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देना उनकी निगाह में कोई बड़ा काम नहीं। ऐसे लोग अपने मखसूस दायरे कार में खुश रहते हैं। लोग इनसे दोबारा मिलने की तमन्ना नहीं रखते, बल्कि पहली बार भी ज़्यादा देर तक इनके कुर्ब को पसंद नहीं करते। अपनी और अपना कुर्ब ख़ास रखने वालों की तारीफ, वाह वाह और दूसरों में कीड़े निकालना इनकी मखसूस अलामतों पहचान तस्वर की जाती है। मगर फिर भी अदम बर्दाश्त और अफवा दरगुजर का ना होना ही इनका इम्तियाजी वस्फ कहलाता है। ये लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और जब जहां जैसे मिलें किसी ज़रूरत, गर्ज या लालच के तहत मिलना पसंद करते हैं। इन्हें अना और मैं नहीं छोड़ती और करके दिखाऊंगा अक्सर इनकी रसवाई की वजह बनता है। नाराज़ हो जाएं तो बरसों तक शक्ल देखना गवारा नहीं करते। ऐसे लोग जल्दी से मुआफ़ी नहीं मांगते। तोड़ना, छोड़ना और रोकना इनके पसंदीदा मशागिल हैं। अलगर्ज़ ये अपने गुस्से, अदम बर्दाश्त और दरगुजर ना होने के बायस दुनिया के बदतरीन इंसानों में गिने जाते हैं। हदीस में इरशाद रब्बानी है, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मखलूक को गुस्सा और रज़ा के लिहाज से तेज़ और सुस्त दो हिस्सों में तकसीम फरमा दिया है। लिहाजा जो किसी एक में तेज़ होगा तो दूसरे में सुस्त होगा, और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इनमें से गुस्से के सुस्त और रज़ा में जल्दी करने वाले को बेहतर बनाया है और इसके बरअक्स को बदतर बनाया है। कशफुल खिफा 2684। अब देखना यह है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर किन लोगों की अलामत पाई जाती हैं। क्या हम मुआशरे के बेहतरीन अफराद की सफ़ में दाखिल हैं या अदम बर्दाश्त के हामिल, चिड़चिड़े और गुस्सीले लोगों की फहरिस्त में शामिल। जवाब के बाद अपनी इस्लाह पर तवज्जो ज़रूरी है, वरना दारेन में सख्त रसवाई और नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ ये भी याद रहे कि फ़ी नफ्सी ही गुस्सा आना कोई बुरा नहीं, बल्कि उसके तकाज़ों को समझना और उन पर अमल करना इसे ममदूह व मज़मूम बनाता है। तालीमात शरा की रोशनी में हो तो ममदूह वरना मज़मूम है, मगर हर वक्त इस तरह की कैफियत किसी भी तरह काबिल तहसीन नहीं। क़ुरान करीम में है तो ए हबीब, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप इनके लिए नरम दिल हैं, और अगर आप तुर्श मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग ज़रूर आपके पास से भाग जाते। तो आप इनको मुआफ़ फरमाते रहो और इनकी मगफ़रत की दुआ करते रहो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159।